जय माता दी। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड ये अष्टमी शाम का क्लिप है। फ्रेंड मॉर्निंग का मैंने परसों शेयर किया था एक वीडियो जो घर में पूजा की थी, और ये शाम का क्लिप है। फ्रेंड्स तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और मैं हूँ, मेरे साथ मकान आंटी हैं और एक और लेडी हैं जो मेरी फ्रेंड है, तो वो भी जा रही हैं साथ में। तो हम लोग सभी जा रहे हैं फ्रेंड। और ये जो है ना मंदिर है ना, बिल्कुल बगीचा के बीचों बीच है फ्रेंड। किसी दिन मैं आपको दिन में ये टूर करवाऊँगी इस मंदिर का। बहुत खूबसूरत मंदिर है और बिल्कुल बगीचा के बीचों बीच बना है, और ये हमारे कॉलोनी में ही है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, और सामने एकदम माता का दरबार है फ्रेंड्स। तो ये देखिए माता कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और हम लोग यहाँ सबसे पहले आने के बाद सबसे पहले माता की आरती करते हैं, उसके बाद हम लोग और सारे भगवान को भी दिया बत्ती दिखाते हैं। तो मैं आपको आज पूरे मंदिर का एक मतलब इसी वीडियो के बहाने आप लोगों को एक टूर भी दे रही हूँ फ्रेंड। बहुत खूबसूरत मंदिर है। मंदिर में लगभग सारे ही भगवान हैं फ्रेंड्स। तो मेन ये शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर है मेन, लेकिन उसके अलावा भी सारे भगवान हैं इसमें, जैसे दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ, लगभग सारे ही भगवान हैं यहाँ। तो ये देखिए मेन ये शिव मंदिर है, और कितना बड़ा शिवलिंग था, शिवलिंग है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, और शिव जी के ठीक शिव जी के सामने है ना वो पार्वती माता है। तो मैं दिन में कभी बहुत अच्छे से इसका टूर दूँगी फ्रेंड, क्योंकि अभी है ना अष्टमी का त्यौहार है, तो यहाँ काफ़ी भीड़ है। यहाँ वीडियो अकेले बनाना संभव नहीं है फ्रेंड, अलग अलग होकर। ये तो मैंने किसी बच्चे को पकड़ा दिया था, तो उसने ही ये बनाया है फ्रेंड्स। और ये देखिए अभी शिवलिंग के ना साफ़ सफाई हो रही है, क्योंकि शाम को ना संध्या आरती होती है, तो उसी के लिए तैयार किया जा रहा है शिव जी को। तो यहाँ पर उसकी तैयारी चल रही है, और हम लोग सारे जगह ना मतलब पहले दुर्गा माँ को आरती करने के बाद और प्रसाद चढ़ाने के बाद आ गए हैं सारे, और भगवान को दिया दिखाने के लिए। तो मैं सभी जगह दिखा रही हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड ये मंदिर बनने से अभी 3 साल ही हुए हैं फ्रेंड्स, यानी कि ये शायद 4th साल है। इससे पहले ना यहाँ मंदिर नहीं था हमारे कॉलोनी में, तो बहुत दिक्कत होती थी, हम लोग पूजा के लिए भटकते थे, कभी कहाँ जाते थे। लेकिन अभी हम लोग को इतना अच्छा हो गया, कोई भी फेस्टिवल हो तो यहाँ हर देवी देवता का मूर्ति है। किसी भी फेस्टिवल में हम लोग को यहाँ पर पूजा करने के लिए मतलब वो भगवान हम लोग को मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। जिस तेरा पवन बनाया मंदर बिच आरती जय माँ पवना वाली आरती जय माँ सिमर चरण। फ्रेंड्स ये जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं ना, ये बहुत विशाल है,
और पहले बगीचा में है ना ये एक है ना पेड़ हुआ करता था, मतलब बहुत सारे पेड़ थे आम के, लेकिन ये एक बरगद का पेड़ था जिसे ना भैरनथान मतलब भैरनथान मंदिर मतलब उसको कहा जाता था कि इसमें भैरनथान बाबा रहते हैं। और इसमें अक्सर ना दो सांप यानी कि एक नागिन नागिन है जो उसी में रहते हैं, और वो अक्सर है ना मंदिर में निकलते हैं और घूमते हैं, फिर उसी में वो चले जाते हैं, उसे कोई भी नागिन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो है ना मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं, कई लोगों ने यहाँ देखा है फ्रेंड्स, उसमें सांप भी निकलते हैं। तो खैर कोई नहीं फ्रेंड्स, बोलते हैं भैरन थान जहाँ होता है वहाँ सांप होते ही हैं। तो ये देखिए अभी है ना कितना अच्छा श्रृंगार हो गया है शिवलिंग का, तो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं भोले बाबा। और ये सामने ही जस्ट नंदी बाबा है, और ये देखिए यहाँ पार्वती माता है। तो पूजा हम लोगों की हो गई फ्रेंड्स, और हम लोगों ने आरती और फ्रूट जो भी चढ़ाना था वो हमने माता को चढ़ा दिया। तो अब सेल्फी वगैरह हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि कहीं भी आजकल हम लोग जाते हैं चाहे पूजा का स्थान हो या टूरिस्ट प्लेस हो, तो सेल्फी बिना तो सब कुछ अधूरा होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं, और उसके बाद अब घर को हम लोग निकलते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये मंदिर का मेन द्वार है, ये तो हम लोग निकल रहे हैं। और सच बताऊं फ्रेंड्स, तो मैं जो अष्टमी को ही इस मंदिर में गई थी पूजा करने, उसके बाद मैं कहीं भी दर्शन करने नहीं गई, क्योंकि नवमी को यहाँ हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण कोई भी कहीं नहीं निकल पाया। और दसवीं को जा सकती थी बट मूड नहीं था मेरा, तो मैं कहीं नहीं गई, बस मेरे यहीं मैंने माता का दर्शन कर लिया, यहीं मैंने भोग लगा दिया, तो बस इसी में मैं खुश हो गई फ्रेंड्स। और मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना अच्छा नहीं लगता है, पहले मुझे अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं अब मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं है फ्रेंड्स। तो बस मैं माता का दर्शन यहीं कर ली हूँ, और इसके बाद मैं कहीं भी नहीं गई थी घूमने फ्रेंड्स। तो ये अब हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं, और यहाँ से देखिएगा मंदिर, जहाँ पर मंदिर है फ्रेंड यहीं पर बस उजाला मिलेगा फ्रेंड। फिर मंदिर से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो पूरा घना बगीचा है, तो दो चार पेड़ ख़त्म होने के बाद ही हम लोग कॉलोनी में घुस जाते हैं। वैसे तो अभी दुर्गा पूजा के कारण है ना सभी जगह लाइट्स लगाया गया है, वैसे रोज़ इतनी लाइट नहीं होती है फ्रेंड्स, सिर्फ मंदिर में ही लाइट होती है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी फ्रेंड्स, आपकी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक।